और कड़कनाथ ऐसी ब्रीड है हमारी, ये देखो घास फूस खा के वैसे ही भी जिंदा रह सकती है, अगर फीड भी नहीं है तो वैसे भी रह जाते हैं 10-15 दिन। तो एक तो फार्म बनाए ऐसी जगह की ऑन रोड, रोड चलता रहना चाहिए। एक मार्केटिंग ऑन रोड पे अपने आप भी हो जाती है, एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ अपने आप भी हो जाती है, वहाँ लिखो फार्म से अंडा भी मिल जाते हैं और लाइव मुर्गे भी मिलते हैं। हमें अपने बैनर लगवाए हैं मैंने, कुछों को मैंने अपने फार्म की टोपियाँ दी हैं, टी शर्ट दी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, अपने गांव में रह कर कुछ ना कुछ कर सकते हो आप, कोई सी फार्म खोल सकते हो, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, गोट फार्म खोल सकते हो और बहुत धंधे उन्हें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं शहर में ही जाकर हम जो कुछ ना कुछ करें या किसी की नौकरी करें। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी भाइयों के सवाल होते हैं, सर हमने कड़कनाथ मुर्गा पालन करना है, देसी मुर्गा पालन करना है, तो कैसे शुरू कर सकते हैं, हम जॉब करते हैं पार्ट टाइम, कैसे कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, किस तरह से अपने मार्केट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पहुंचा मैं ग्रेटर नोएडा में योगेश भाई के पास, जिनका पहले यहाँ पर WFG फार्म था और अभी इन्होंने कड़कनाथ मुर्गा फार्म स्टार्ट किया है। तो क्यों उन्होंने WFG बंद करा और क्यों उन्होंने कड़कनाथ मुर्गा फार्म स्टार्ट करा और किस तरह से जॉब के साथ साथ ये इस काम को कर रहे हैं, कितना इससे मुनाफा ले रहे हैं और आप किस तरह से अपना कड़कनाथ मुर्गा पालन या देसी मुर्गा पालन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो योगेश जी नमस्कार, सबसे पहले। नमस्कार जी। सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना और अपने फार्म का परिचय आप दीजिए। मेरा नाम योगेश नागर है जी, मेरा गांव इस्लामाबाद कलदा दादरी गौतम बुद्ध नगर वेव सिटी के पास है जी, नियर बादलपुर मायावती गांव। तो सर अभी आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में, या इसको फुल टाइम आप कर रहे हैं? मैं जॉब भी कर रहा हूँ और भाई के साथ मिलकर फार्म भी चला रहा हूँ। पहले क्या था आपके पास में? पहले मेरे पास WFG थे, कड़कनाथ भी थे, लेकिन WFG में थोड़ा घाटा ज़्यादा आता है, ये फीड बहुत खाता है, बीमारी आने का ज़्यादा खतरा रहता है इसमें। कुछ लोग कहते हैं सर देसी मुर्गा पालन ज़्यादा रफ एंड टफ बर्ड होता है, ऐसी पल जाता है, इसको कुछ फीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको फीड ज़्यादा चाहिए और थोड़ा बीमारी वगैरह ज़्यादा आती है। हाँ, वो एक किस्म से बॉलर ही समझो, उसे बॉलर कॉपी है, वो रंगीन बॉलर बोलते हैं इसको भी, WFG को भी। और कड़कनाथ ऐसी ब्रीड है हमारी, ये देखो घास फूस खा के वैसे ही भी जिंदा रह सकती है, अगर फीड भी नहीं है तो वैसे भी रह जाते हैं 10-15 दिन। तो ये कितना समय आपको हो गया कड़कनाथ को पालते हुए? मुझे 3 साल हो गए जी। अच्छा, तो क्या आपको कड़कनाथ में अच्छा लगा कि आपने इसकी शुरुआत करी? इसमें एक तो बीमारी बहुत कम है जी, बीमारी के साथ ये फीड कम खाता है, अंडे ज़्यादा देता है और मुर्गी से। लेकिन सर सच्चाई ये भी है आज कड़कनाथ की, लोग कहते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है वो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इसका रेट का अंडा होता है, 1000-1200 किलो का ये अपना ये एक बर्ड जाता है, लाइव बर्ड जाता है। तो कितनी सच्चाई है और मार्केट में क्या वाकई में समस्या आती है इसकी, ऐसा है नहीं? एक तो फार्म बनाए ऐसी जगह की ऑन रोड, रोड चलता रहना चाहिए। एक मार्केटिंग ऑन रोड पे अपने आप भी हो जाती है, एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ अपने आप भी हो जाती है, वहाँ लिखो फार्म से अंडा भी मिल जाते हैं और लाइव मुर्गे भी मिलते हैं, ऐसा लिखो और मार्केटिंग करो, बैनर छप लगवाओ, पंपलेट बांटो। और हमारी लोकेशन है दिल्ली NCR जी, नोएडा के नज़दीक, सामने वेव सिटी है, वेव सिटी में बहुत अंडे जाते हैं हमारे, नोएडा में बहुत अंडे जाते हैं। और कहाँ पे आप सेल कर रहे हैं और कैसे अपने मार्केट आपने बना रहे हैं अभी? दिल्ली और नोएडा में सेल कर रहे हैं और हमें अपने बैनर लगवाई है मैंने, कुछों को मैंने अपने फार्म की टोपियाँ दी हैं, टी शर्ट दी हैं। अच्छा, ये भी आपने एक प्रचार का एक अलग तरीका आपने अपनाया है, बाकी लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं या फेसबुक पर डालते हैं, लेकिन आपने अपनी टोपियां, कैप और टी शर्ट्स आपने यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करी है, मतलब जहाँ वो बंदा जाएगा वहाँ पे आपका पूरा अपना मोबाइल नंबर और फार्म का नाम। जी जी। तो अंडा सर किस रेट का दे रहे हैं और लाइव मुर्गा किस रेट का दे रहे हैं? 30 रुपये का अंडा जा रहा है जी हमारा, और थोक में कुछ हमारे थोक भी है, उन्हें हम 20 रुपये का देते हैं। तो सर इतना आसान ये काम लगता है मुर्गा पालन करना कि भाई घास में ऐसे ही छोड़ दीजिए फ्री रेंज? आसान है जी, पहले थोड़ी जानकारी जरूर ले, अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा मुर्गा के बाद मुर्गा पालो तो जानकारी, कोई भी काम करो तो जानकारी उस चीज़ की होनी चाहिए। अभी कितने मुर्गे हैं, मुर्गियाँ टोटल? मेरे पास 1000 है जी फिलहाल। और प्रोडक्शन क्या आ रहा है सर? प्रोडक्शन मेरी मुर्गी अभी अंडे पर आ रही है, लगभग 150 से 200 के अंडे अभी हमारे पास पर डे आ रहे हैं। और सर खर्चा कितना आया इसको बनाने में? हमारा आ गया लगभग 1 लाख रुपए का हमारे साइड में खर्चा आया, हमने सब कबाड़ से माल खरीदा है, पुरानी चादरें ली हैं, पुराने पाइप लिए हैं, और वेल्डर भी हमारा दोस्त था, लोकल का ही वेल्डर था जो सस्ते में बना गया, तो हमारा 1 लाख रुपए में फार्म तैयार हो गया है।
बच्चा भी हमें सस्ता मिला था, लगभग 31-32 रुपए का चिक्स मिला था। कहाँ से लाए थे सर? ये लिया था जी करनाल से। और कितने दिन का लाए थे? एक दिन का लाए थे। और फीड में आप इनको क्या क्या दे रहे हो? फीड में हम दे रहे कम, वैसे तो हम ज़्यादातर कंपनी का फीड चला रहे हैं फिलहाल। बीच में हमने जो जब बीच में एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, 6 महीने पूरा होने में, 5.5 महीने अंडे आने पे, तो बीच में हमने कुछ देसी फीड अपना चलाया था। और अब फिलहाल हम जब हमारे मुर्गे अंडे पे आने वाली थी उस टाइम हम कंपनी का ही लेयर फीड चला रहे हैं। तो क्या कॉस्ट आती है सर एक मुर्गे या मुर्गी को तैयार होने में? लगभग 200 से 250 रुपये आती है। और प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट तो अब चला है जी, अब जैसे अंडे अब बिकने लगे, फिलहाल तक तो बहुत दिक्कतें आई है। क्या दिक्कतें आई हैं सर? दिक्कत यही कि बस लगना ही लगना है, फीड का खर्चा आता ही आता जा रहा है, कुछ बिक तो रहा है नहीं था। जी जी, तो इसलिए भी थोड़ा सा फार्म बंद होते हैं, लोग सबर नहीं कर पाते। हाँ जी हाँ जी, 5.5 महीना काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फार्मर। अच्छा सर, फीड कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं फार्मर भाई? क्योंकि फीड कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा, एक ऐसे फार्मर को जहाँ पे 4 से 5 महीने उसको लगाना ही अपनी जेब से और अर्निंग कुछ हो नहीं रही है, तो फीड कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या उनको खिला सकते हैं वो? एक तो उसके पास स्पेस होना चाहिए, फार्म से अलग बाहर घूमे, चिक्स बाहर घूमे। हमारा देखो यहाँ पर हमने बरसम बो रखी है जी, ये वो चरी बो रखी है, जई बो रखी है, मशीन से कट के इनको डाल देते हैं, तो इससे भी बहुत फीड कम लगती है। या जैसे आपने देखा हमें घास है, जंगली घास है सर ये? हाँ जी, जंगली घास को खाते हैं, तो उसको भी खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। और समस्याएं क्या क्या आई थी सर शुरुआत में जब आपने इनको रखा, मतलब जो एक फार्मर को आ सकती हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं? समस्या ऐसी बड़ी नहीं है, केवल ब्रूडिंग की समस्या होती है इसमें। ब्रूडिंग सही तरीका से हो जाए फिर कोई समस्या नहीं आती। हाँ, शुरू के 2 महीने फीड खिलाओ और उसके बाद खुले में घुमाओ और फीड आधी कर दो। अच्छा सर, मौसम कौन सा बेस्ट होता है इसको शुरू करने के लिए? सभी सर्दियाँ चल रही हैं, आने वाली हैं अभी। जैसे हमारे पास फिलहाल टाइम है, इस टाइम हमारे अंडे आ गए, तो हिसाब लगा लेंगे सर्दी आने से 6 महीने पहले माल डाल लें जी, जो सीजन होता है अंडों का, और उससे पहले हो सके तो कुछ बड़ी मुर्गियां भी रखें जो हमारा मार्केटिंग चलती रहे, मतलब कोई आवे अंडा देते रहे, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ अंडा नहीं मिलता। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास रहना चाहिए, रहना चाहिए। या तो अंडा हो गया या मुर्गी हो गया या मुर्गा हो गया। सर मुनाफा कितना ले रहे हैं अभी आप इससे? मुनाफा अभी हमारा लग रहा है कल लगभग 40 किलो फीड लग रहा है जी पर डे जी, और 40 किलो की कॉस्ट है लगभग 900 से 1000 के बीच का जी जी, और अंडे आ रहे हैं अभी हमारे लगभग 150 ही लगा लो। तो प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर? लगभग अभी 1500 रुपये पर डे आ रहा है जी। 1500 रुपये पर डे, खुश हैं अपने काम से? हाँ जी। चलिए बहुत, मतलब यानी ये कि अपने गाँव में रह कर ही आप घर में रह कर ही हाँ रोजगार ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, इससे तो अच्छा कुछ है नहीं। और जबकि दूसरी तरफ जो मैं देखता हूँ गाँव के जो लोग हैं सर, गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और वहां पर बेचारे परेशान हैं, 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, अपने घर रह के गांव में भी रह के हम कमाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी की नौकरी करनी, अपने अपने काम भी कर सकते हैं। बहुत काम है ऐसे, जो जिस काम में जानता हो उसे करें, नहीं जानता हो तो उसकी नॉलेज ले पहले जब शुरुआत करें। अच्छा सर, फार्म क्यों बंद हो जाते हैं ये मुर्गे फार्म वगैरह? मैं देखता हूँ काफ़ी 80% फार्म बंद हो जाते हैं, रीजन क्या रहता है, कहाँ चूक होती ये है? एक तो सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लोग बागों को, और जब गर्मी आती, सर्दियों में तो सही चलते रहते, जब गर्मी आती हैं उस टाइम पे अंडा सेल नहीं कर पाते वो, तो अंडा सेल नहीं हो रहा तो हमें कुछ ऐसी फीड डालनी चाहिए जो कॉस्टली ना हो, कम से कम खर्चा है हमारा, और मार्केटिंग ऐसी करो कि हमारे अंडे कुछ अंडे तो बिकते रहे, मतलब गर्मियों में भी अंडे बिकते रहे। मार्केटिंग ऐसी करो, रिटेल की मार्केटिंग ज़्यादा करो, थोक का तो ऐसा है कि एक ने बम्बने कर दी तो हम अपने अंडे निकाल ले जाएंगे। रिटेल की मार्केटिंग ऑप्शन रहने चाहिए, ऑप्शन रहना चाहिए। अच्छा सर, एक कारण ये भी होता है कोई बीमारी आती है तो उसको कोई बताने वाला नहीं होता, तो किसी ऐसे फार्मर के टच में रहे वो जो उसकी कंटिन्यू हेल्प कर सके, हेल्प कर सके, वीडियो भेजे, देख के बता दे भाई ये मेडिसिन दे दो, ये दे दो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनमें बीमारियां वगैरह सर क्या आती हैं? बीमारी इनकी इनमें जब ही आती है, जैसे फार्म में बरसात आई थी अभी पीछे, बरसात में जब फार्म में पानी घुस गया तो CID बन जाती है इनके। जी जी। और कड़कनाथ की सर, लोग कहते हैं असली कड़कनाथ कुछ और होता है, नकली भी आ रहा है इसमें, तो क्या ऐसा है कि असली नकली का भी कुछ खेल चल रहा है इसमें? हाँ जी, ऐसा है, जो नकली आता है उसकी लाल केसर हो जाती है जी जी,
6 ऐसे बंदे से लो कि जो गारंटी से हमें असली कड़कनाथ दे। तो क्या पहचान है कड़कनाथ की बताइए? हमारे जो ये कड़कनाथ है इनकी सबकी केसर लाल है, तो वो है ब्लैक, और जो वैसे होते हैं नकली उनकी होती है केसर मतलब लाल हो जाती है। जी जी, तो ये पहचान है कि एक तो ये पूरा पंजे, पैर भी काले, पंख भी काले, चोंच भी काली और कलगी भी काली। हाँ जी, हाँ जी। और उसका जो अंडा होता है क्या वो भी काला होता है? नहीं जी नहीं, वो नॉर्मल देसी मुर्गी की तरह ही अंडा होता है। अच्छा, एक मिथ है कि जो उसका मुर्गा अंडा है वो भी काला नहीं होता है। किस तरह से कोई शुरुआत कर सकता है अपने काम की, अगर कोई करना चाह रहा है कितने वर्ष से शुरुआत करे? देखो मैं तो कहता हूँ अगर शुरुआत में कोई करना चाह रहा है तो कम से कम करे 200 से 300 बर्ड से शुरुआत करे। उसमें उसको ये पता पड़ जाएगा कि हमारी कितनी फीड लग रही है, कैसे पालने हैं, नुकसान हो रहा तो कम होगा। तो अगर कोई 200 से शुरू करता है तो क्या प्रॉफिट लेगा? 200 से शुरुआत करेगा तो कम से कम 150 तो अंडे आएंगे, 100 से 150-125 के बीच में 125 अंडे आएंगे, 125 अंडे आएंगे तो ये लगा लो कि लगभग 2500 के अंडे बिक जाएंगे, 2500 के अंडे डेली आएंगे। जी जी, और मार्केट कैसे बनाई अपनी? मार्केटिंग जब तक अंडा नहीं आएगा मार्केटिंग तो देखो जब बनेगी नहीं, अंडा आएगा उस जब ही। हाँ, वही ताकि तैयारी करें अपने, किस तरह से मार्केट बनाया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, पहले तो अपने जिम वालों के पास जावे, वहाँ पे अपने पंपलेट लगाए, बताए, अंदर जाके समझाए। जिम वाले ज़्यादा खरीदते हैं अंडे। जी जी। हाँ, फिर अपना जो नज़दीक कोई सिटी है वहाँ पे अपने बैनर लगाए, कोई फेसबुक पे अपना फार्म का फेसबुक बनाए या अपनी फेसबुक पे ही शुरुआत करे, अपना वो डाले, एड डाले। शर्माए नहीं इसमें, यानी निकलना पड़ेगा। देखिए सर, अच्छे खाने वालों की हमेशा मांग रहती है, उनको मिलता नहीं है। अगर आप उन तक पहुँचा सकते हैं तो उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो सीधे कई गुना उसमें बढ़ जाता है। हाँ जी ये। अच्छा सर, ट्रेनिंग वगैरह कहीं ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कैसे शुरुआत करें? देखो काफ़ी ट्रेनिंग स्कूल काफ़ी है ऐसा नहीं यार, इससे बढ़िया किसी फार्मर को, सही फार्मर है उससे ट्रेनिंग ले लो। आप क्यों पैसा लगाओ कहीं जाकर, जाओ आप कहीं ट्रेनिंग लोगे वो ज़्यादा अपना तुम्हें चिक्स भी बेचेगा, महंगे बेचेगा, इससे तो बढ़िया है अपना किसी धोरे रेट किसी फार्मर के पास जाओ, एक दो दिन में वो तुम्हें सब चीज़ समझा देगा। जी जी, और क्या कहना चाहते हो सर आप हमारे युवा बेरोजगार साथियों से? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, अपने गाँव में रह कर कुछ ना कुछ कर सकते हो आप, कोई सी फार्म खोल सकते हो, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, गोट फार्म खोल सकते हो, और बहुत धंधे उन्हें कर सकते हो। जरूरी नहीं शहर में ही जाकर हम जो कुछ ना कुछ करें या किसी की नौकरी करें। सर का भी सर परिचय दीजिए। ये प्रिंस है जी, दोस्ती है हमारा, हम अच्छा। दोनों ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। अच्छा, तो प्रिंस जी अपना भी एक बार परिचय आप दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम प्रिंस है और योगेश भाई के साथ पार्टनरशिप में हमारा काम है। जी जी, तो सर पार्टनरशिप में कैसे कोई शुरुआत कर सकता है? जैसे भाई ये सर जॉब करते हैं जी, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जॉब भी करते हैं और साथ में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यही आती है कि उनके बाद कौन देखेगा उसको, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी आप? देखो सर, हमारे भाई जॉब भी करते हैं तो मैं यहीं पर रहता हूँ इनके पास फार्म पर, और भाई इसमें क्या है सर, सुबह शाम दाना पानी लगता है, ठीक है जी, और अब जैसे अंडे आने लगे हमारे तो मैं रहता हूँ फार्म पर, अंडे जो भी हमारे पास ऑर्डर होता है वो मैं ऑर्डर पूरे करता हूँ। यानी टीम का होना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है सर। आप अकेला बंदा या तो उसके साथ में कोई मार्केट हो आसपास तो ठीक है, अदरवाइज अपना काम बढ़ाना चाहता है तो भाई पहले आपने देख लिया मार्केट आप चले गए, फिर आपने देख लिया फिर आप चले गए। तो काम कैसा लग रहा है सर अभी? सर अच्छा है काम, ठीक है सर। देखो अभी 4 से 5 महीने तो हमें कुछ मिला नहीं, हमने अपने घर से ही लगाया है, और अब देखो कुछ आने लगा है, अंडे जैसे बिक रहे हैं, सेल तो हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी सेल है सर यहाँ की। चलिए सर, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं कि आप लोग ऐसी तरक्की करें और आगे बढ़ें, साथ ही जो हमारे लोग हैं जो व्यूवर्स हैं उनको आपने एक अच्छी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करी, मार्गदर्शन करा, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो थी वीडियो आज की ऐसी थी कि किस तरह से आप देसी मुर्गी पालन और इस तरह से जो काम है छोटा वो कैसे शुरू कर सकते हैं अपने गाँव में रहकर ही। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप योगेश भाई से पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो में एक नए सफर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।